वो टेम्परेचर जो होता है क्या होता है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस होता है और अल्कोहल का बॉयलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है सेवेंटी एट डिग्री सेल्सियस और बॉयलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी जो होता है वो होता है थ्री हंड्रेड फिफ्टी सेवन डिग्री सेल्सियस ठीक है अब देखिए मरकरी जो होता है एक प्रकार का लिक्विड मेटल होता है जो ज़्यादातर थर्मोमीटर्स में इस्तेमाल किया जाता है या बहुत जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है ये इजिली एक्सपेंड करता है हीट गेन करने के बाद से ओके देखिए यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज अ मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल कह रहा है कि किसी भी लिक्विड का बॉयलिंग पॉइंट जो है वो बताता है कि उस लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो है बाइंडिंग फोर्स का जो स्ट्रेंथ है वो कितना है अगर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो है हाई होता है यानी कि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो है उस लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में क्या है मोर है ठीक है अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है हायर हायर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल कह रहा है कि अगर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ज्यादा होता है तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके पार्टिकल्स के बीच में उस लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा ग्रेटर होगा ज्यादा होगा वेन ए लिक्विड इज हीटेड द हीट एनर्जी मेक्स इट इट्स पार्टिकल्स मूव इवन फास्टर कह रहा है कि अब जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो उनके पार्टिकल्स क्या करते हैं हीट एनर्जी को गेन करते हैं गेन करने के बाद से दे स्टार्ट्स मूविंग फास्टर वे जो है मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं फास्ट मूव करना स्टार्ट कर देते हैं एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द पार्टिकुलर एट द बॉइलिंग पॉइंट द पार्टिकल्स ऑफ ए लिक्विड हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होल्डिंग देम टुगेदर एंड सेपरेट इनटू इंडिविजुअल पार्टिकल्स अब जैसे ही हम लोग उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उस लिक्विड को तो जब वो बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर जो है अटेन करता है तो मैक्सिमम हीट एनर्जी क्या करता है मैक्सिमम हीट एनर्जी को गेन कर लिया रहता है जो हम लोग हीट देते हैं उसको ठीक है मैक्सिमम एनर्जी को वो गेन कर लिया जाता है उस टेम्परेचर पर वो क्या करता है अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करता है ब्रेक डाउन करता है एंड इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इन टू गैसियस फॉर्म देखिए आप लिखा है एंड द लिक्विड बॉयल्स टू फॉर्म ए गैस ठीक है जैसे ही वो बॉयलिंग टेम्परेचर जो है बॉयलिंग पॉइंट का टेम्परेचर अटेन कर लेता है लिक्विड के पार्टिकल्स अटेन कर लेते हैं वो क्या होते हैं वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं बॉयल होना स्टार्ट हो जाते हैं गैस में गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं ठीक है अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है गैस टू लिक्विड चेंज गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और उस चेंज को क्या बोला जाता है देखिए यहाँ पे गैस टू लिक्विड चेंज को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन ठीक है आपको पता है द प्रोसेस बाय विच एनी गैसियस फॉर्म ऑफ मैटर चेंजेज इन टू ए लिक्विड फॉर्म ऑन कूलिंग और ये कब होता है कूल cool करने पर होता है ठीक है इस चेंज को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन इसका डिफिनेशन क्या है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस इन टू ए लिक्विड बाई कूलिंग कह रहा है कि एक किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना बाई कूलिंग दैट गैस ठीक है इसको क्या बोला जाता है कंडेंसेशन ये कंडेंसेशन जो है बॉइलिंग का क्या होता है रिवर्स प्रोसेस होता है बॉयलिंग होता है लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना और कंडेंसेशन होता है गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना बस हीटिंग और कूलिंग का इंक्रीज इन टेम्परेचर और डिक्रीज इन टेम्परेचर का अंतर होता है बॉइलिंग जो है इंक्रीज इन टेम्परेचर पे होता है यानी कि हीट करने पर होता है और ये कंडेंसेशन जो है डिक्रीज इन टेम्परेचर पे होता है ठीक है लिक्विड टू सॉलिड चेंज को हम क्या कहते हैं लिक्विड से अगर कोई मैटर लिक्विड में है लिक्विड स्टेट में है अगर वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उस उस मेथड को हम लोग बोलते हैं उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग ठीक है डिफिशन इसका देखिए क्या कह रहा है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड इनटू टू ए सॉलिड कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग कह रहा है कि, कि किसी लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर को किसी लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर को हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कूलिंग बाई डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग द टेम्परेचर उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रीजिंग कूलिंग का मतलब होता है टेम्परेचर को डिक्रीज करना हीटिंग का मतलब होता है टेम्परेचर को इंक्रीज करना पहले वीडियोज में आपको बताया गए अब देखिए फ्रीजिंग का मतलब होता है फ्रीजिंग मीन्स सॉलिडिफिकेशन किसी भी चीज को सॉलिड में कन्वर्ट करना लिक्विड को क्या करना सॉलिड में कन्वर्ट करना सॉलिडिफिकेशन इसको बोला जाता है फ्रीजिंग को एंड फ्रीजिंग इज द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग और फ्रीजिंग क्या होता है मेल्टिंग का रिवर्स प्रोसेस होता है मेल्टिंग में क्या होता है सॉलिड जो है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है ऑन गेटिंग हीट फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट ठीक है और फ्रीजिंग में क्या होता है फ्रीजिंग में क्या होता है फ्रीजिंग में होता है कोई भी लिक्विड जो है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है ऑन कूलिंग दैट पार्टिकुलर लिक्विड उस लिक्विड को हम लोग कूल cool करते हैं तब वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग तो फ्रीजिंग क्या होता है रिवर्स ऑफ मेल्टिंग होता है मेल्टिंग का रिवर्स प्रोसेस होता है ठीक है सो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द सेम एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इट्स सॉलिड फॉर्म इसलिए इसलिए क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट किसी लिक्विड का जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट से सेम होता है जैसे मैं ये देखिए फ्रीज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो होता है जीरो डिग्री सेल्सियस होता है यानी कि जीरो डिग्री सेल्सियस पे जो है आइस जो है मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है

डिफर इन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज एंड इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेज बिटवीन द कॉन्स्टिट पार्टिकल्स का रहा है कि ये तीनों स्टेट्स ऑफ मेटर लिक्विड सॉलिड गैस जो होते हैं इनके बीच ये जो इनका जो डिफरेंस होता है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज पर भी डिफरेंस होता है मतलब कि ये जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो है सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है और लिक्विड में उससे कम होता है और सबसे कम जो है गैस इस फॉर्म में होता है उसके बाद से इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होता है सॉलिड में सबसे कम होता है नेग्लिजेबल होता है लिक्विड्स में जो है थोड़ा सा ज़्यादा होता है सॉलिड से ज़्यादा होता है और गैसियस फॉर्म में जो है इनके उनके पार्टिकल्स जो होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है ज़्यादा होता है तो ये सारे ये दोनों जो है डिफरेंस होते हैं कॉन्स्ट पार्टिकल्स ऑफ एनी स्टेट ऑफ मैटर के बीच में ठीक है अब देखिए गैसेज आर कंप्रेसिबल बिकॉज ऑन अप्लाइंग प्रेशर द स्पेस बिटवीन द गैसियस पार्टिकल्स डिक्रीज इस कह रहा है गैसेज जो होते हैं वो कंप्रेसिबल होते हैं उनको हम लोग ईजिली कंप्रेस कर देते हैं क्योंकि जब हम प्रेशर उस पर अप्लाई करते हैं तो उनके बीच के उनके पार्टिकल्स के बीच का स्पेस जो होता है वो क्या होता है डिक्रीज होता है देअर फोर गैसेज कैन बी कंप्रेस्ड इसलिए इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं गैसेज को गैस जो होते हैं उनको आसानी से क्या किया जा सकता क्या किया जा सकता है कंप्रेस किया जा सकता है ओके व्हेन वी अप्लाई प्रेशर एंड रिड्यूस टेम्परेचर द गैसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड्स दैट इज गैसेस विल बी लिक्विफाइड कर रहा है अब देखिए जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं और टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं यानी कि उस लिक्विड को कूल cool करते हैं ठीक है टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं रिड्यूस करते हैं तो गैस जो है क्या हो जाता है क्या हो सकता है वो लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता है ठीक है तो हम क्या कह सकते हैं कि लिक्विड जो है वहाँ पे वहाँ पे वो गैस जो है वहाँ पे क्या होता है लिक्विफाइड होता है लिक्विड में कन्वर्ट होता है ऑन अप्प्लाइंग

कूलिंग दैट गैस इज फॉर्म ठीक है उस गैस को क्या करना है कूल करना है इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं लिक्विफिकेशन ठीक है अब देखिए इस सब्सटांस में एग्जिस्ट इन एनी ऑफ द थ्री डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कह रहा है कि एक सब्सटांस जो है तीनों स्टेट में से सॉरी लिक्विड गैसेस स्टेट में से किसी एक स्टेट में या तीनों के तीनों स्टेट में लाइक कर सकता है ये डिपेंड करता है आउटसाइड टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है इफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटांस इज अबव द रूम टेम्परेचर एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर इट इज सेट टू बी ए सॉलिड कह रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट का किसी किसी मैटर का मेल्टिंग पॉइंट या किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट जो है रूम टेम्परेचर से हाई होता है ऑन द गिवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ठीक है ऑन द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उस ऑब्जेक्ट को उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं सॉलिड बोलते हैं और कह रहा है दूसरा क्या कह रहा है कि इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज अबव रूम टेम्परेचर अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट इज क्लासिफाइड एज लिक्विड्स और कह रहा है कि लिक्विड हम कब कहते हैं कि अगर बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट जो है रूम टेम्परेचर से अधिक होता है अंडर एटमोस्फेरिक प्रेशर तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो सब्सटेंस जो है क्या कहलाता है लिक्विड कहलाता है ठीक है बॉयलिंग पॉइंट अगर रूम टेम्परेचर तक रहेगा रूम तो टेम्परेचर तक रहेगा तो क्या करेगा रूम टेम्परेचर पर ही वो क्या हो जाएगा गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा वेपराइज हो जाएगा ठीक है उसके बाद क्या करा है तीसरा क्या करा है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इज बिलो द रूम टेम्परेचर एट एटमोस्फेरिक प्रेशर इट इज कॉल्ड ए गैस कह रहा है कि अगर बोलते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर ठीक है तो अगर बॉयलिंग पॉइंट जो है किसी सब्सटांस का बिलो रूम टेम्परेचर रहेगा तो वो जो है गैसियस फॉर्म में इन्वायरमेंट में क्या करेगा लाइक करेगा ठीक है